महात्मा गांधी कहते थे कि कलम की एक नोक से मैं सारे कतलखाने बंद करा दूंगा, वो महात्मा गांधी के विचार का क्या हुआ इस देश में? गांधी जी 30 जनवरी 1948 को चले गए, उनकी हत्या हो गई। उसके बाद क्या हो गया इस देश में? उसके बाद इस देश में हो यह गया कि गांधी जी के मरने के साथ ही उनका विचार भी मार डाला गया, मर नहीं गया, मार डाला गया। गांधी जी को सिर्फ फोटो में जिंदा रखा है, विचार के स्तर पर उनको संपूर्ण दफन कर दिया गया है। उनका एक भी विचार भारत देश की सरकारों ने माना नहीं, दो को छोड़कर। एक सरकार थी श्री लाल बहादुर शास्त्री की और दूसरी थी श्री मुरारजी देसाई की। गांधी जी की एक भी इच्छा पूरी नहीं हुई है, पता नहीं उनकी आत्मा को शांति मिली होगी या नहीं मिली होगी। बहुत लोग कहते हैं कि मरने वाले की आत्मा को शांति तब मिलती है जब उसकी इच्छा पूरी होती है, यहां तो एक भी इच्छा पूरी होती हुई नहीं दिखाई देती। लेकिन हर साल इस देश में 2 अक्टूबर मनाया जाता है, हर साल इस देश में 2 अक्टूबर आता है, सरकारी अधिकारी प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति, राष्ट्रपति से लेकर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, तमाम मंत्री गांधी जी की समाधि पर जाते हैं, कुछ फूल चढ़ाते हैं, टीवी चैनलों पर हम उनकी अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं। बापू जी को याद रखना चाहिए, बापू जी के सपनों को कभी भूलना नहीं चाहिए, लेकिन बापू जी के सपनों को जिंदा करने के लिए कोई कुछ नहीं। कृषि विश्वविद्यालयों में रिसर्च का काम शुरू कराया, गेहूं पर इतना ज्यादा रिसर्च हुआ कि आज हिंदुस्तान दुनिया में गेहूं पैदा करने वाले देशों में सबसे बड़ा दूसरे नंबर का देश हो गया। 1966 में जहां हमारे यहां गेहूं का अकाल था, गेहूं होता नहीं था, हम गेहूं के लिए तरसते थे, आज हमारे देश में इतना गेहूं होता है कि हजारों करोड़ रुपए का हमारा गेहूं तो चूहे खा जाते हैं, इतना होता है। हम खाते हैं, हमारे पड़ोसी देशों को खिलाते हैं और बहुत सारा गेहूं हमारे चूहे खा जाते हैं। धन्य हैं पंजाब के किसान, धन्य हैं हरियाणा के किसान, धन्य हैं उत्तर प्रदेश के किसान, धन्य हैं मध्य प्रदेश के किसान, धन्य हैं राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के किसान, जिन्होंने गेहूं उत्पादन करके इस देश को स्वावलंबी बना दिया, स्वाभिमानी बना दिया। और दूसरे देशों से गेहूं खाना मंजूर नहीं, अगर शास्त्री जी ये बात नहीं कहते तो ये गेहूं आता रहता और हम कभी गेहूं उत्पादन में आत्माभिमानी बन नहीं पाते, स्वावलंबी बन नहीं पाते और आज तक अमेरिका का गेहूं खा रहे होते। तो शास्त्री जी भारत के पहले प्रधानमंत्री, जिनकी नीतियां स्वाभिमान के लिए और स्वदेशी के लिए थी।